हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी स्टैटिक क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के स्टैटिक क्विज सेगमेंट का जो सब्जेक्ट है वो है आर्ट एंड कल्चर, यानी कला और संस्कृति। चलिए लेते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है कि भारतीय दार्शनिक विचारधारा के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। आंसर है, सांख्य दर्शन एक आत्मज्ञान है जो मुक्ति की ओर जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट सुमेलित कीजिए। पहला सही आंसर है निरुक्त। निरुक्त का मतलब होता है शब्द की उत्पत्ति, जिसको कि इटिमोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट है छंद। इसका आंसर है संस्कृत व्याकरण का मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ज्योतिष। आंसर है खगोल शास्त्र या एस्ट्रोनॉमी। और नेक्स्ट है ग्रामर। इसका मतलब होता है व्याकरण। ये जो वेदांग हैं, वेदांग के जो अंग होते हैं उनके डिस्क्रिप्शन है, वो ना अंग हैं और उसके बाद डिस्क्रिप्शंस हैं। ठीक है, तो ये सही सुमेल हमने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोधिसत्व के विषय में की गई सही व्याख्याओं का चयन कीजिए। कौन कौन सी बोधिसत्व के बारे में सही व्याख्याएं हैं आपको चुनना है। पहला, बोधिसत्व के तहत मैं कौन हूं इस प्रश्न से हमारे आसपास की चीजों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। नेक्स्ट, बोधिसत्व के तहत व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग पर चलने के उद्देश्य से गौतम बुद्ध के समान अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिधम्म पिटक में निहित है आंसर, दार्शनिक और वैज्ञानिक प्रवचन और बौद्ध सिद्धांत। इसकी व्याख्या फिर से सुनिए, दार्शनिक और वैज्ञानिक प्रवचन और बौद्ध सिद्धांत की व्याख्या। ये किस में है? अभिधम्म पिटक में। क्या क्या है? दार्शनिक और वैज्ञानिक प्रवचन तथा बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट। लास्ट क्वेश्चन है, वर्लीज पेंटिंग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये चित्र भीमबेटका के भित्ति चित्रों के समान है। नेक्स्ट, इस प्रकार के चित्रों को परंपरागत रूप से मूल ग्राफिक शब्दावली का उपयोग करके बनाया जाता है। कहां बनाया जाता है? दीवारों पर बनाया जाता है। फिर से सुनिए, इस प्रकार के चित्रों को परंपरागत रूप से मूल ग्राफिक शब्दावली का उपयोग करके दीवारों पर बनाया जाता है। और तीसरा, इस प्रकार की चित्रकला के लिए केवल सफेद वर्णक का ही प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। इस सेगमेंट में कहीं कहीं गलतियां जरूर हुई हैं, लेकिन फिर भी गलतियों को सुधार करके ये सेगमेंट बनाया गया है। इसलिए आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो चलिए दोस्तों, इस सेगमेंट को आप एंजॉय कीजिए। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना, तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ
आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।